हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा। दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे, अभी लास्ट टॉपिक हमने खत्म किया है, अनुकरण का सिद्धांत और आपका पुनर्वलन का सिद्धांत। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा क्षेत्रवादी सिद्धांत, कर्ट लेविन का क्षेत्रवादी सिद्धांत। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अधिगम के सिद्धांतों में। लेविन्स से नहीं बल्कि वो कई नामों से जाना जाता है, और एग्जाम में भी आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी तरह से आते हैं, कई तरह से आते हैं कि इस सिद्धांत का नाम बताइए, इस सिद्धांत के प्रतिपादक का इस सिद्धांत। तो कई बार हम पूरा सिद्धांत पढ़े होते हैं और सिद्धांत का नया नाम आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और सही आंसर नहीं दे पाते। तो इसी वजह से सिद्धांत के जितने भी नाम दिए गए हैं वे हम सभी वीडियोज में डिस्कस करते आए हैं कि कितने नाम दिए गए हैं, तो इसके भी कई उपनाम हैं, तो वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से उपनाम है। इसको सबसे पहले हम देखते हैं लक्ष्य का सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लक्ष्य का सिद्धांत, ठीक। दूसरा नाम इसका है अधिगम का कलयुग सिद्धांत। इतने सारे नाम वैज्ञानिकों ने दे दिए हैं कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत। नेक्स्ट आपका है सदिश का सिद्धांत। ये दोनों तो आप देख ही रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि लेविन्स के सिद्धांत का क्या क्या नाम है। फील्ड थ्योरी है ही, क्षेत्रवादी सिद्धांत है ही, लक्ष्य का सिद्धांत, अधिगम का तलरूप सिद्धांत, प्राकृतिक दिशा का सिद्धांत, सदिश का सिद्धांत, समूह गतिकी का सिद्धांत, व्यवहार गति का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में कई बार कि व्यक्ति व्यवहार गति का सिद्धांत किसने दिया था, तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। गत्यात्मक विकास का सिद्धांत, समूह गतिशीलता का सिद्धांत और सही दिशा का सिद्धांत। इतने नामों से ये सिद्धांत जाना जाता है। आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, इससे क्वेश्चन बनते ही रहते हैं।
अब हम इस सिद्धांत के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जान लेते हैं, जैसे कि प्रतिपादक। प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक इसके पर लेविन थे, ठीक है, इसी इन्हीं के नाम पर लेविन थ्योरी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि लेविन के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं, ये क्या थे, ये वातावरण में होता है और उसके सामने एक कुछ ना कुछ, जैसे जब व्यक्ति वातावरण के संपर्क में आता है अधिगम के लिए, तो उसका जो अधिगम का लक्ष्य होता है, उसका जो उद्देश्य होता है, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, इनका कहना था। और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, अपनी मनोवैज्ञानिक, उसके हर व्यक्ति के पास उसकी कुछ ना कुछ एबिलिटीज होती है, तो वह उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी एबिलिटीज का प्रयोग करता है। जब वह एबिलिटीज का प्रयोग करता है, अपनी मनोवैज्ञानिक शक्तियों का प्रयोग करता है, तो उसके रास्ते में कुछ ना कुछ बाधाएं आती है और उन बाधाओं पर विजय प्राप्त करके वह लक्ष्य को प्राप्त करता है। और विजय प्राप्त करने के लिए, उन बाधाओं पर विजय पाने के लिए व्यक्ति को क्या होती है जरूरत, कुछ एक प्रेरणा की जरूरत होती है। तो प्रेरणा के माध्यम से वो इन्फ्लुएंस होकर क्या करता है, अपने लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में चलता है और उसकी सभी बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो जो ये रास्ता होता है, उसके आसपास का दायरा होता है, उसी को उन्होंने क्षेत्र का नाम दिया है, ठीक है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि व्यक्ति के रास्ते में जो बाधाएं आती हैं, उन बाधाओं को दूर करता है और रास्ते के आसपास की चीजें क्या होती है, क्षेत्र होती है, उन पर वो विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, मीन्स व्यक्ति सीख लेता है, ठीक है। इसमें कुछ जरूरी चीजें होती हैं, वो नोट कर लेते हैं। उनका कहना था कि होता है आकर्षक,
आकर्षक उद्देश्य का
द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, कर्ट लेविन का कहना था कि व्यक्ति का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्र क्या? उसका जो लक्ष्य है, उसके गोल प्राप्ति के आसपास या इर्द गिर्द क्षेत्र में आते हैं। तो उन सभी कारकों जो उसके आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती ही करती हैं। इनके अनुसार व्यक्ति क्या था, जो मैंने अभी आपको बताया, इनके अनुसार व्यक्ति क्या है? व्यक्ति मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है। क्या है? मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है और मानव व्यवहार व्यक्ति और वातावरण का क्या है? प्रतिफल है। डायग्राम बनाया था, ठीक है, उसको बी नाम दिया था। इसको इन्होंने कहा था से आप इसको समझ सकते हैं। इनके अनुसार क्या था कि क्या है? व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है ये मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है, और मानव का व्यवहार क्या है? व्यक्ति और वातावरण, ये जो वातावरण है और व्यक्ति जो है उसी का प्रतिफल है। ठीक है, उसको इस तरह से इन्होंने समझा। इनका कहना था
उनका कहना था कि व्यक्ति के जीवन क्षेत्र में हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं। ये तो सभी मनोवैज्ञानिकों का कहना है, ये आप भी समझते हैं। तो व्यक्ति के जीवन में जो आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताएं ही व्यक्ति को क्रिया कह लीजिए या कार्य कह लीजिए, क्रिया करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, प्रेरित करती है। ठीक है, करने के लिए प्रेरित करती है। जब व्यक्ति प्रेरित हो जाता है तो अपने लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। और क्या होता है, लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में क्या होती है, अनेक बाधाएं आती हैं, बैरियर्स आ जाती हैं। क्या आती है, बाधाएं आती हैं। और व्यक्ति क्या करता है, इन बाधाओं को तोड़ता है। व्यक्ति इन बाधाओं को तोड़कर लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ये व्यक्ति के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं जिसमें बाधाएं आती हैं, जिसमें व्यक्ति एफर्ट करता है, और कुछ ड्राइव्स होते हैं जो उसको पुश करते हैं, कुछ ड्राइव होते हैं जो उसको पुल करते हैं। तो ये जिस जगह पे ये ड्राइव्स पुश करते हैं, पुल करते हैं, बाधाएं आती हैं, बैरियर्स होते हैं, तो उसी के आसपास के क्षेत्र को कर्ट लेविन ने क्या कहा है, क्षेत्र कहा है। कौन सा क्षेत्र है, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र है। किसके लिए क्षेत्र है, मनोवैज्ञानिक जो व्यक्ति है उसके लिए क्षेत्र है। तो वो जो ये बाधाएं पार करती हैं, जो बाधाओं का ये पूरा फील्ड होता है, उसी के आधार पर उन्होंने इस सिद्धांत को क्षेत्रवादी सिद्धांत का नाम दिया। ठीक, अब इसको एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। आप बहुत ध्यान से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर समझते हैं। साथ ही हर व्यक्ति में क्या होती है, कुछ ना कुछ
एबिलिटीज होती हैं। क्या होती हैं? कुछ ना कुछ एबिलिटीज होती हैं हर व्यक्ति में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ एबिलिटीज जरूर होती हैं। ये जो हमारा साइकोलॉजिकल पर्सन है, हर व्यक्ति साइकोलॉजिकल पर्सन होता है, ये किसी एक पर्सन या दो पर्सन की बात नहीं की गई। हर व्यक्ति एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होता है और अपने लक्ष्य प्राप्त के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटीज होती है, ठीक है। जो व्यक्ति होता है वो अपने गोल के लिए वो एबिलिटीज अपनी प्रयोग करता ही करता है, उसको पाने के लिए क्या करता है, अपनी अभियोग्यताओं का प्रयोग करता ही करता है। तो अपनी अभियोग्यताओं का प्रयोग करने के लिए जब वो करता है तो उसके रास्ते में क्या आती है, कुछ बैरियर्स आते हैं। बैरियर्स यानी बाधाएं, या कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं। जब भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलते हैं तो लेविन महोदय का कहना था कि कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं। लेविन महोदय का कहना जो था बिल्कुल सत्य था, जब भी हम अपने कार्य को करने के लिए चलते हैं तो कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं, ठीक है। फिर बाधाएं जब आती हैं तो कुछ वेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? वेक्टर्स। वेक्टर्स को हम वेक्टर्स ही कहेंगे, ठीक है। ये क्या है? वेक्टर्स। कुछ ये वेक्टर्स होते हैं, ये वेक्टर्स जो होते हैं की तरफ ढकेलते हैं कि आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही करना है, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो उसको खींचते हैं कि आपको लक्ष्य की तरफ नहीं जाना है। नेगेटिव्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं वेक्टर्स, कुछ नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव जो होते हैं वो ढकेलते हैं कि आपको लक्ष्य की तरफ जाना ही जाना है, और जो नेगेटिव होते हैं वो खींचते हैं कि आपको लक्ष्य की तरफ नहीं जाना है, ठीक है। तो इसके अलावा एक और हमारा दायरा होता है, एक और क्षेत्र होता है, और ये जो ये आसपास का क्षेत्र होता है इसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल, ठीक है। ये क्या होता है? क्षेत्र होता है हमारा, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र होता है। ये आसपास का क्षेत्र क्या होता है? मनोवैज्ञानिक क्षेत्र होता है, ठीक है। इसी के आधार पर उन्होंने, इसी क्षेत्र के आधार पर मनुष्य के आसपास जो क्षेत्र होता है इसको क्षेत्र सिद्धांत का नाम दिया था। और जो ये एरिया था इसको, जो आसपास का और आसपास के क्षेत्र से दूर का जो एरिया है इसको इन्होंने लाइफ स्पेस, इस एरिया को, जो दूसरा एरिया था इसको फॉरेन हला लाइफ स्पेस का नाम दिया, ठीक है। इतना सिद्धांत आप समझ लेंगे, आपको पूरा सिद्धांत समझ में आ जाएगा, ठीक। इनके अनुसार क्या है, एक पर्सन होता है, उसकी कुछ नीड्स होती है, उसकी कुछ आवश्यकताएं होती है। पर्सन कैसा होता है? मनोवैज्ञानिक पर्सन होता है, और उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, गोल होता है। उस गोल होने के साथ साथ उस पर्सन में कुछ ना कुछ एबिलिटीज होती है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं। तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में जुट जाता है। कुछ वेक्टर्स आते हैं जो उसको पुल करते हैं कि आपको आवश्यकता की पूर्ति करनी है। कुछ पुश करते हैं, यानी कि ये जो बैरियर्स आते हैं, कुछ बाधाएं आती हैं, तो बाधाएं व्यक्ति पार करने की, उन एबिलिटीज के माध्यम से बाधाओं को पार करने की कोशिश करता है। तो बाधाओं को पार करने में कुछ उसके नेगेटिव फोर्स होते हैं जो उसको पुश करते हैं, जो कुछ पॉजिटिव फोर्स होते हैं जो पुल करते हैं उस लक्ष्य प्राप्ति की तरफ।
इस तरह उन पर विजय प्राप्त करके व्यक्ति क्या करता है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। और उसके आसपास को जो ये क्षेत्र है जहाँ ये सारी चीजें सारी घटनाएं घटती हैं, उसी क्षेत्र के आधार पर इस सिद्धांत को क्षेत्रवादी सिद्धांत नाम दिया गया। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आते हैं, वो मैं आपको बताए देती हूँ, एक्सप्लेन किए देती हूँ कि वेक्टर्स क्या हैं, या फिर जीवन दायरा क्या है, फील्ड क्या है, लाइफ स्पेस की जो हमने बात की, लाइफ स्पेस क्या है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। आप ये चित्र समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। टोपोलॉजी थी, क्योंकि ये गणितज्ञ थे तो इनके जो चीजें थी उनको उसको इन्होंने टर्म्स का टोपोलॉजी का नाम दिया। टोपोलॉजी क्या थी, जैसे इन्होंने एक ज्यामितीय आकृति होती है, क्या होती है, रबड़ लिया, लाइफ को क्या इन्होंने रबड़ की तरह गोल दिखाया। अब वो जब उसमें किसी तरह के आप फोर्सेस लगाते हैं, फोर्सेस जब लगाते हैं, जैसे रबड़ है उसको इधर से फोर्स लगाया तो वो कुछ फोर्स लगाया उसी आकार में बन गया, उसको थोड़ा सा फैला के फोर्स लगा के रखा तो थोड़ा सा बढ़ गया, बड़े आकार में मिल बना। फिर उसको आपने कुछ ऐसा लंबा शेप दे दिया, कभी आप किसी रबड़ को लेंगे उसको जिस आकार में आप ढकेलेंगे उसी आकार में चलती चली जाएगी। तो उन्होंने लाइफ की टोपोलॉजी को इसी तरह से ज्यामितीय आकृति में इंगित किया, ठीक है। सारी बातें समझ में आ रही हैं। हाँ, एक चीज और, वेक्टर्स वो होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, जो व्यक्ति को लक्ष्य से पास या दूर ले जाए, ठीक है। हमने जब ग्राफ या पिक्चर पढ़ा था तो उसमें देखा था ना वेक्टर्स क्या थे, एक तो पुश करने वाला था, एक पुल करने वाला था, तो
दोनों तरह के, मतलब जो लक्ष्य के पास ले जाए वो भी वेक्टर्स है, जो लक्ष्य से दूर ले जाए वो भी वेक्टर है। वेक्टर क्या है? वो इकाई है जो व्यक्ति को लक्ष्य के पास ले जाए और दूर ले जाए। वेक्टर को वेक्टर नाम से ही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आई होप आपको ये सिद्धांत समझ में आ गया है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ये सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी से कई सारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, सभी एग्जाम्स में बनते हैं, तो इसलिए इस थ्योरी को पढ़ना बहुत जरूरी है और समझना उतना ही जरूरी है। इसके फिगर को आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा सिद्धांत तैयार हो जाएगा, आप इसके बारे में लिख भी सकते हैं। यह सिद्धांत हमारे लिए हमारी बाधाओं को पार करने के लिए, अपनी अधिगम क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है, और स्टूडेंट के लिहाज से इस सिद्धांत काफी उपयोगी है माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सिद्धांत भी समझ में आया होगा। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आपके कोई डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए थ्योरीज के साथ।